कृष्ण लीला का चित्रण ये पहला है और ऐसा चित्रण कि लाइव जैसे चल रहा हो, वे सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो उस तरीके से यहाँ वो आपको चित्रण। इधर से शुरू होती है कृष्ण लीला जी, ये विष्णु हैं। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि जब कृष्ण लीला शुरू होती है तो भगवान विष्णु की प्रार्थना लोग करते थे। भगवान से शैया पर लेटे हुए हैं, ये लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं। ये चक्र लिए हैं, नीचे वो है गदा, ये जो है ना ये चक्र है, ये गदा है, ये उनकी नाभि से निकल रहे ब्रह्मा जी है ऊपर, है ना, एक एक कंधे ये सिर पे अपना हाथ लगाए हुए हैं। ये जो है ना अपना ये लक्ष्मी जी है। तो इनकी जो कथा मिलती है ना, वो कथा ये मिलती है कि भगवान विष्णु का जब जन्म होता है तो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और वो आते हैं माता के गर्भ में आते हैं। तो माता के गर्भ से आने से पहले की ये जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही जी, बिल्कुल अभी जो है ना वो गर्भ में आते हैं। तो गर्भ में आने से पहले ये देखिए ये जो है ना विष्णु को यहाँ बैठे दिखाया गया है जी। ये फिर बैठे हैं वहाँ, लेटे हैं, ये बैठे हुए हैं। अब ये जो है ना उसके बाद आप देखिए गर्भ में आ जाते हैं और उनका जन्म होता है। तो ये जो है ना काराग्रह का दृश्य, ये जो है काराग्रह का दृश्य। देखो ये ढाल तलवार लिए लोग खड़े 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 हुए हैं और ये जो है ना ये बच्चा है नीचे, ये स्तनपान कर रहा। तो ये कृष्ण जन्म का दृश्य है और यहाँ आप देख रहे हैं ये अश्विनी कुमार है, अश्व का मुख है। अश्विनी कुमार जो है उनके अश्व के मुख बनाए जाते हैं। तो दो होते हैं हमेशा, ये जो है दो बनाए जाते हैं। तो एक ये है और ये दो भाई थे अश्विनी कुमार। तो इनको यहाँ इसलिए बैठे दिखाया गया है कि जब कृष्ण का जन्म होता है, चूंकि भगवान विष्णु ही जन्म ले रहे हैं, तो अश्विनी कुमार इसलिए आए कि माँ को कष्ट ना हो किसी प्रकार का। तो वो जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अश्विनी कुमार वहाँ उपस्थित है, इसलिए उनको यहाँ दर्शाया गया। ये अपने आप में जो है ना एक अद्भुत है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो महाभारत में भी इन लोगों ने नहीं दिखाया कि अश्विनी कुमार आए हैं, ये वो सीरियल में भी नहीं दिखाया। ये जो है महाभारत का बहुत अच्छा जो है ना चित्रण है। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जो पिलर हैं, ये जो शिलाफलक हैं, ये उल्टे सीधे कुछ लग गए हैं। उसके बाद का शिलाफलक, इसी के जस्ट बाद का शिलाफलक ये है। ये जो है ना उसी के बाद का ये है शिलाफलक। तो जन्म होता है तो ये देखिए, ये जो है ना जन्म हो रहा है, ये बालक है। यहाँ आकाश में देवी देवता उत्सव मना रहे हैं, आकाश में देवी देवता आ जाते हैं ये। और यहाँ फिर वो जो है नंद बाबा जो है वो जाते हैं तो लड़की को ले आते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक्सचेंज करते हुए दिखाया है, ये एक बालक इनके हाथ में है, एक बालक क्या बात, तो एक्सचेंज करते हुए दिखाया है। उसके बाद फिर जो है ना ये जो, चूंकि ये कृष्ण का आठवां जन्म माना जाता है, एक तो वो गर्भपात हो जाता है बलराम जी का तो वो तो गर्भ प्रत्यारोपण होता है, वो भी है इधर दृश्य, वो भी अभी बताते हैं। तो ये जो है ना सात जो बालक होते हैं इनको मिला के सात, तो उनका जो है ना कृष्ण लेता, वो कंस लेता है और मार देता है जी। तो ये कंस है इधर, ये बालक लिए हुए हैं, है ना। और ये सात बालकों को दिखाया गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात कृष्ण तक के, मतलब सात को वो सात माह इनका जन्म है, वो वाला दृश्य यहाँ दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना पूरा उनका ये दिखाया। और अच्छा देखो इधर जब वो जाते बच्चे है, वो सात बच्चे है। यहाँ जो है ना यहाँ जब जन्म होता है तो ये जो है ना ये ले रहा है, वो कंस ले रहा है इधर, ये छीन रहा है, ये बालक को छीन रहा है इधर। देखो छीनते हुए दिखाया गया है, ये छीनते ही हुए है, ये छीन रहा है, ये ऐसे पकड़े हुए है, तो ये छीनते हुए दिखाया गया। और यहाँ जो है ना वो दरवानी जो है दिखाएगा, ये वो वाला दृश्य है जब वो सो जाते हैं लोग, जब वो जाते हैं ना तो सब ताले टूट जाते हैं, कारागृह का सब टूट जाता। तो देखो ये सोते हुए दिखाया गया, थोड़ा ऐसे ऐसे टिके हुए हैं, ये कलाकार ने उसको दिखाया कि ये सो गए हैं। तो ये बालक को लिए यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो गर्भ प्रत्यारोपण का जो हम बता रहे थे बलराम का, ये कहीं नहीं है पूरी कला में। ये देखो शेषनाग का अवतार है ना बलराम का, ये जो है ना शेषनाग, ये जो शेषनाग है, और ये जो है उनकी माता है, ये जो है ना बालक है, पीछे फण है, ये जो है पीछे फण है। तो गर्भ प्रत्यारोपण का दृश्य है ये।
किसका किस समय का सर? सॉरी, ये जो है ये रोहिणी है, रोहिणी है, और उनके गर्भ से निकाल के और यहाँ इनके गर्भ में प्रत्यारोपण किया गया था उनको, देवकी जी के, देवकी के गर्भ से, उनके बड़े भाई के रूप में। तो ये देखो, ये नागफण है ऊपर ही ऐसे, और ये जो है ना उनका मुख है बलराम का, ये पेट में उनका दिखाया गया है। तो वो जो है ना, ये देखो वो नाक की वो बनी हुई है, तो पूरा वो दृश्य बताया। बलराम जी उन्हीं के अवतार भी माने जाते हैं। हाँ, वही है ना शेषनाग का अवतार। तो वो जो है इनको यहाँ बनाया गया है। ये वाला जो दृश्य है देखो, नदी की वो लहरें हैं ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये जो है ना, यहाँ ये नारद हैं। अच्छा। और ये जो है ना, ये नहीं, वो जो है आपने कथा देखी होगी कि वो जल कीड़ा करते हैं। हाँ। इंद्र, अरे उसके यम के जो है ना लड़के, यम कुबेर के लड़के। हाँ, हाँ, तो उनको वो नारद श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम अर्जुन के वृक्ष हो जाओ। हाँ, 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 तो वो भी कथा, वो अर्जुन यमला अर्जुन वृक्ष की कथा भी उधर है, वो भी बताते हैं। हाँ, तो वो वाला यहाँ ये दृश्य है कि देखो ये महिलाएं हैं, ये स्तन है उनके। हाँ, हाँ, ये सब नग्न स्नान करते हैं तो वो गुस्सा आ जाते हैं, फिर वो श्राप दे देते हैं। चीरहरण जो की लीला है शायद इसी से रिलेटेड होगी। नहीं नहीं, वो अलग। इसके बाद वो देखिए, ये जो है ना, जब बालक अब कृष्ण बड़े हो जाते, अब ये तो हो गया उधर का। अब जब वो बड़े हो जाते तो गाय चराते हैं। गाय चराते हैं ना, देखो ये गाय है। ये दो गाय बनी हुई है, ये एक है एक है। बांसुरी लिए है, ये आइडेंटिफाई जो है ना ऐसे होते हैं। अब देखो इतनी छोटे उसमें 1700 साल पहले कलाकार बना रहा है। हाँ। वो पूरा बनाते हुए वो दिखा रहा है कि कृष्ण को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो वो जो है ना पूरा ये बांसुरी लिए हैं, ये उनके जो है ना जो उनके सखा हैं, है ना, ये गाय चराते हुए दिखाया गया है। अब देखो यहाँ जो है क्या होता है, ये लोग बाल खेलते हैं, तो बॉल खेलते हुए उनकी काली अदाय में चली जाती है। तो वो बाल खेलते हुए चली जाती है, तो वो फिर वो जो है ना कदम के पेड़ पे चढ़ के कूदते हैं। तो ये चढ़े हैं कृष्ण, ये कदम का पेड़ बना है, यहाँ चढ़ते हुए दिखाया है, फिर वो चढ़ गए, है ना, यहाँ चढ़ते हुए दिखाया है, फिर वो चढ़ गए, फिर वहां से कूद गए हैं। तो कूदते हैं तो फिर उनकी पहले पत्नी मिलती है, तो पत्नी देखो ये हाथ जोड़े खड़ी हुई है, तो यहाँ तो वो रोकती है पत्नी को, वहाँ अभी मत जाओ। फिर जब वो जाते तो लड़ते हैं तो फिर मारते हैं, क्योंकि मार रहे हैं, फाड़ पकड़े हुए हैं कृष्ण, और ये मारते हुए दिखाए गए। बॉल को वो पकड़े हुए हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ देखो ये हाथ जोड़े ये खड़ी के आप छोड़ दो, अब छोड़ दो। ये अपने आप में कितना अद्भुत है कि पूरा जो है चित्रण है। अब उसके बाद अपन लोगों ने देखा है कई बार फोटोग्राफ्स में कि ये जो है जब वो मारते हैं, घायल कर देते हैं, खूब मारते हैं उसको, तो उसके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं, उस पर ऊपर आते हैं, वो ही लेके आता है। तो देखो ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये शेषनाग के कृष्ण है, मारते हुए यहाँ थोड़ा दिखाया, सिर के ऊपर ही है ये शेषनाग का फण है। हाँ, 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 हाँ। ये ऊपर ये देखो ये कैसे हाथ, शेषनाग का भी एक चेहरा दिखा रहे हैं। हाँ, ये शेषनाग है। हाँ। और ये कृष्ण है जी, है ना। इसके बाद यहाँ आप देखो, यहाँ भी वही जो है ना अश्विनी कुमार है, ये अशु का मुख है। अच्छा, हाँ। एक ये है एक ये है। यहाँ ये कथा है महाभारत में जो हमको मिलती है। हाँ। वो ये है। हाँ। कि जब इसको मारते हैं कालिया नाग को, तो घायल हो जाता वो, अधमरा क्या घायल ही हो जाता। फिर उसको उनको बुलाते हैं अश्विनी कुमार को कि आप इसकी चिकित्सा करो। हाँ। चिकित्सा करके स्वस्थ करके फिर कहते हैं अब तुम इसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो ये वाला पूरा का पूरा दृश्य जो है ना कालिया मर्दन का, बहुत सुंदर चित्रण यहाँ है। अब इसके बाद वो एक दूसरा चित्रण जो है ये वाला, ये यमला अर्जुन वृक्ष की कथा जो आप कह रहे थे ना। हाँ, हाँ। ये है दो वृक्ष, ये जो अर्जुन के वृक्ष है, वही कुबेर के श्राप, नारद के श्राप कारण यहाँ हो गए थे। यहाँ ये जो यमला अर्जुन कथा मिलती है ना, वो कुबेर के लड़कों को श्राप दे देते हैं नारद। तो ये दो वृक्ष हैं अर्जुन के, है ना। और ये जो है ना, एक आपने सीरियल में देखा होगा, माता को परेशान करते हैं तो वो मथानी से बांध देते हैं, तो वो खींचते खींचते ये चलेगा, ये मथानी फंसी, ये कृष्ण है, ये कमर में बंधी है उनके, और ये यहाँ जाके खींचते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो वो जो है ना उनका राम मुक्त हो जाते हैं। और फिर यहाँ जो है ना वो
उनकी माता आती है उसको उठाती है, उनकी सहेली माता की देखो दांतों तले उंगली दबाए हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये देखो ना दांतों तले उंगली दबाते हुए कि ये क्या हो गया, ये हाँ तो ये अपने आप में मतलब आश्चर्यचकित वाला जो है ना, मतलब पूरा 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 चित्रण जो है ना उसका वो दिखाना कला में, ये लाइव टेलीकास्ट ये जो है पूरा है, ये इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। सही, आज बनाने वालों के समय में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अपन उसको जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा है, ये तो ये मतलब इतना अपन और कहीं भी मूर्तियों में देखो इतना खुलापन नहीं रहता, इतना खुलापन नहीं है। गुप्त काल की कला का यही एक अपने आप में जो, इसलिए स्वर्णिम काल गुप्त काल को माना जाता है कि यहाँ आप पूरा सिस्टमेटिक हर प्रतिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पूरा उसका ऑर्नामेंट देख सकते हो, आइकनोग्राफी देख सकते हो, पूरा सिस्टमेटिक सब आप कर सकते हो, इसलिए ये गुप्त काल जो है ना स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। चलिए अब उस तरफ, कृष्ण बड़े हो गए तो मथुरा चले जाते मथुरा जाते हैं तो वहाँ आपने एक जो है एक आपने देखा होगा कि ये कुबड़ी को ठीक करते हैं, जी जी, जी। कुबड़ी वाली कथा मिलती है ना, कुब्जा को, कुब्जा को, तो वो देखिए ये है वो कुब्जा, ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल ये कृष्ण है, ये दोनों जो है ना उसकी चिकित्सा करते हुए, ये चिकित्सा कर रहा है, ये पैर रखे हुए हैं, चिकित्सा करते हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, तो ये चिकित्सा का पूरा दृश्य है, ये कुबड़ी वाला दृश्य है, तो ये अपने आप में। और ये जो है ना फिर वहाँ जाते हैं तो वो ये जो है ना कृष्ण और बलराम है ये दोनों, ये वो भव्य स्वागत करता है कंस पहले उनका, तो वो स्वागत का दृश्य है, उसके बाद फिर वो जो है ना मारने का जो है वो आता है, तो वो ये एक्चुअली उल्टे लग गए हैं इस फलक ऐसे, तो ये जो है ये देखो ये कंस है, कंस की ये जो है जटाएं पकड़े हुए है कृष्ण, ये ऐसे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो फिर गिर जाता है इधर पैरों के, फिर वो मारते हैं, तो ये जो है ना पूरा उसका कंस वध का जो है यहाँ अंकन है, तो ये मतलब कृष्ण जन्म से लेके कृष्ण वध तक का जो है ना अपन को पूरा सिस्टमेटिक, और वो भी गुप्तकालीन कला में इतना अच्छा चित्रण पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, वो भी कला जो है ना इतनी पुरानी, तो ये सब ये संभव हो सकता है कि ये कृष्ण मंदिर वाला हिस्सा हो। हाँ, एक्चुअली यहाँ जो है ना पांच मंदिर बने थे, अच्छा। तो ये 10 अवतार को प्रदर्शित किए गए, जो बाराय की प्रतिमा है नृ बाराय की, हाँ। सागर विश्वविद्यालय के संग्रहालय में, वो भी मंदिर इधर ही था, है ना, बाराय का मंदिर यहाँ था, विष्णु का है ही सही, लक्ष्मी का एक मंदिर था, नरसिंह का मंदिर था, और ये 10 अवतारों के छोटे छोटे शिला फलक जो है पूरे, अभी और चलते ना और अभी आपको दिखाते, इधर पूरे 10 अवतारों के शिला फलक है।